By hacking the Namalam Wadi amazing and beautiful water dispenser. And let's start the video. गाइस हमें वाटर डिस्पेंसर मेक करने के लिए इस तरह का डिस्पोजल ग्लास चाहिए होगा और मैंने एक वाटर बॉटल भी ले ली और हमें एक स्ट्रॉ की भी नीड होगी। और गाइस सबसे पहले हम अपना कंपास लेंगे और हम अपनी बॉटल के नीचे वाले साइड पे होल करेंगे और फिर उसके अंदर अपने स्ट्रॉ को अटैच कर देंगे। लाइक जैसे हम लोग देख सकते हैं, हमने अपनी बॉटल के अंदर होल करके स्ट्रॉ को अटैच कर दिया है। अब हम अपना डिस्पोजल ग्लास लेंगे और हम उसको ऊपर से थोड़ा सा कट कर देंगे ताकि हम अपनी बॉटल को उसकी स्ट्रॉ के साथ इसके अंदर अटैच कर सकें। और गाइस और आप ना बहुत केयरफुली होल भी करिएगा और बहुत केयरफुली मेक करिएगा, वरना आपका वाटर डिस्पेंसर अगर कहीं से भी लीक हो गया तो आपका पूरा क्राफ्ट ख़राब भी हो सकता है। गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा वाटर स्पेंसर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। और गाइस मैंने किस तरह का स्टिकर भी ले लिया, वाइट कलर का लॉन्ग सा, क्योंकि गाइस वरना हमारा ना वाटर डिस्पेंसर जो हमने ऊपर से कट लगाया था तो गाइस हमारे कट के ज़रिए फिर हमारा वाटर डिस्पेंसर ख़राब भी हो सकता था और हमारी बॉटल भी गिर सकती थी। इसलिए मैंने स्टिकर यूज़ करा ताकि हम स्टिकर को लगाएँ तो वो जगह ओपन नहीं हो सके। गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा वाटर डिस्पेंसर रेडी हो चुका है। लेकिन गाइस ये पूरा रेडी हो तो चुका है लेकिन इसकी स्टिक थोड़ी लॉन्ग हो रही थी तो मैंने सोचा इस स्टिक को कट कर लिया जाए। और गाइस अब हम इसके अंदर वाटर फिल करेंगे और उसके बाद जब हम कैप को लूज़ करेंगे तो वाटर बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और हमारे ग्लास के अंदर फिल होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही हम अपने कैप को टाइट करेंगे वाटर बाहर आना स्टॉप हो जाएगा। और गाइस आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि मैं वाटर डिस्पेंसर कैसा लगा। गाइस आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।